स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। तो नंबर सिस्टम पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, ठीक है? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब मैं बता चुकी हूँ। उसके बेस पे आपको क्वेश्चन भी करवा दिए प्रीवियस ईयर के। आज भी नंबर सिस्टम होगा, इसका एक और कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट तो आप सभी जान चुके हो, वंस नंबर पर जो लिखी होती है, वंस प्लेस पर, वो यूनिट डिजिट होती है। तो एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है ना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोई भी आपको नंबर दे दिया बड़ा सा और उसके ऊपर पावर चढ़ा दी बड़ी सी, और इसकी बताइए आप यूनिट डिजिट, अब आप कहां तक सॉल्व करते रहोगे। ये इतना बड़ा सा पूछेगा और आप यहाँ फंस जाओगे। लेकिन मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी, इसमें आप सेकेंड्स में कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर दे दे, बड़ी से बड़ा नंबर दे दे, सिंपल नंबर दे दे, मल्टीप्लाई में दे दे, प्लस में दे दे, आप मिनटों में नहीं, सेकंड में ही आप यूनिट डिजिट निकाल लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ केवल वो समझिए, क्वेश्चन बाद में स्टार्ट करूंगी, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो क्वेश्चन तो कुछ रहेगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट वीक हो गया तो आप कितने भी क्वेश्चन लगा लीजिए, वहां पर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन फर्स्ट जाता है इसमें से, ठीक है? और अगर 4 मार्क्स का एक हुआ, 2 मार्क्स का एक हुआ, कॉम्पिटिशन में हाफ ऑफ मार्क्स, 0.5 मार्क्स भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो आपको नेगेटिव भी करवा सकता है। सिर्फ ये नहीं नंबर जीरो ही करवाएगा, आपको नेगेटिव भी करवा सकता है गलत होने पे। और 2 मार्क्स से तो कितनी रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो चलिए यूनिट डिजिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट आप सबको पता है, सबसे पहले केवल मेरी बात सुनिए, अभी भूल जाइए क्वेश्चन कैसे आता है, मेरी बात आप सुनिए। चार नंबर है, उसके पीछे आपकी जीरो है, ठीक है? और उसकी पावर कुछ भी है बहुत बड़ी, तो आंसर तो हमेशा यूनिट डिजिट में जीरो ही आएगा ना। 10 जैसे हो, 10 की पावर आप 100 टाइम्स कर दो, 99 टाइम्स कर दो, लेकिन यूनिट डिजिट तो जीरो ही रहेगा ना, जीरो। तो ठीक है, जहां भी आपका बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे 2340, इसकी पावर 99 है, तो आपको आंख बंद करके एक सेकंड भी नहीं लेना, आपको लिख देना यूनिट डिजिट। केवल यूनिट डिजिट की बात हो रही है, पूरे नंबर की नहीं, केवल यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है? तो आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है, जीरो। यूनिट डिजिट इसकी क्या हुई, जीरो। आपको चार ऑप्शन में जीरो जरूर यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर नंबर के पीछे मैंने 1 लगा दिया और इसकी बहुत बड़ी सी लिख दी और आपसे पूछा इसकी यूनिट डिजिट बताइए, तो आप बंद करके आपको 1 यहाँ पर ऑप्शन होगा क्लियर, क्योंकि 1 का कितनी भी बार करो लास्ट में यूनिट डिजिट में हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है? इसी तरह से आपका पीछे नंबर है कोई 5, मतलब लास्ट नंबर हो रहा है 5 से लास्ट हो रहा है, इसकी कोई भी आपकी यूनिट डिजिट पूछी तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 से एंड होगी। देखिए, एक सेकंड भी नहीं लग रहा पहचानने में कितनी बड़ी बड़ी होगी। एग्जांपल देखिए, 235 मैंने ले लिया, इसकी पावर 98, आपको कुछ नहीं देखना, 5 लगा देना है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है रफ में। क्यों? क्योंकि 5 में आप कितनी भी बार करो, 5 का देखो, आप 5 का करके देखो, अगर आप 5 की पावर 1, 5 × 1, ठीक है, 5 आएगा, 5 की पावर 2 यानी 5 × 5 = 25, 5 × 5 × 5 यानी 5 की पावर 3 = 125। इसी तरह से देखो, सब में यूनिट डिजिट जो है वो 5 ही 5 5 5 आ रही है ना, ठीक है? तो उसी तरह से एक और वैल्यू खत्म करते हैं, 6 का पीछे 6 हो और इसकी कोई भी पावर हो, आपको यूनिट डिजिट पूछे तो आपको 6 लगा देनी है। 6 का भी करके देख लो, 6 × 1 6, ठीक है? अब 6 की पावर 2 यानी 6 × 6 36, 6 × 6 × 6 चाहिए 36 216। पीछे सब में क्या आ रहा है, 6। आगे भी आप कुछ भी करोगे, आगे भी आप एक और 6 से करोगे तो भी आपको क्या आएगा, 6। यानी कि इस बेस पे आपने एक कॉन्सेप्ट डिसाइड किया, जो भी आपके नंबर में यहां लिख रही हूं 0 1 और कौन सा लिया था हमने, 5 और 6, इसकी आपसे यूनिट डिजिट वो पूछेगा, कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो आपसे यूनिट डिजिट पूछेगा, आप जो इसका हो वही इसका आंसर होगा जो इसके लास्ट में हो। 0 की 0 लास्ट में 0 होगा, किसी नंबर के लास्ट में 1 है, उसकी कोई भी पावर हो 1, 5 वाले की 5 6 वाले की 6, आप यहां देख भी चुके हैं, आप यहां देख भी चुके हैं आप।
ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मैं अभी यहाँ केवल दो नंबर, फोर नंबर ऑलरेडी हो गए, हमारे पास फाइव नंबर बचे हैं, इस वजह से मैं दो नंबर चूज कर रही हूँ, फोर और नाइन, क्योंकि ये दोनों एक से जो है शो करते हैं, ठीक है, एक सी सिमिलरिटी होती है फोर और नाइन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो फोर और नाइन की बात करने से पहले फोर और नाइन की बात करती हूँ। फोर की पावर वन फोर, फोर इंटू फोर यानी फोर की पावर टू सिक्सटीन, फोर की पावर थ्री 64, ठीक है, और 4 की पावर 4, इधर 4 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आप अभी रुक जाइए बस। अब आप एक चीज देखिए, जब भी 4 की पावर ऑड है तो वो पीछे दे रहा है 4, और 4 की पावर इवन है तो वो पीछे दे रहा है 6, 4 की पावर इवन है तो वो दे रहा है 6, यूनिट डिजिट की या बात हो रही है यूनिट डिजिट की, 4 की पावर ऑड है तो वो दे रहा है 4, बन गया हमारा। अब नाइन का कर दीजिए, नाइन की पावर वन नाइन, नाइन की पावर टू 81, नाइन की पावर थ्री 729, इसी तरह से आप करेंगे तो पीछे देगा यहां वन, हो गया आप सॉल्व। नाइन की पावर जब भी ऑड है तो आ रहा है नाइन, और नाइन की पावर इवन है तो भी आ रहा है। अब आपसे मैं ये पूछती हूं कि मेरा एक नंबर है 204 और इसकी पावर 103 है, आप यूनिट डिजिट बताइए। आप क्या देखोगे, पीछे 4 है, 4 की साइकिल रिवाइंड करो, 4 है और इसकी पावर क्या है ऑड, पावर जब भी ऑड आती है तो यूनिट डिजिट आ जाएगी 4। कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा। अब मैंने आपको नंबर दे दिया 209 और इसकी पावर 108, आप फिर से करो, 9 पीछे आ रहा है, 9 मेरा पीछे आ रहा है, 9 की पावर क्या है इवन या ऑड, इवन। अब इवन में क्या होता है, पीछे आता है यूनिट डिजिट के ऊपर, 1 सेकंड हो गया। तो जब भी 4 और 9 का आपको देखना है, ये रिमाइंड करना है, अगर आप भूल भी जाओ वैसे आप याद करके जाना, क्योंकि टाइम वहां पर बहुत कम होता है कंपटीशन में, टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत है, लेकिन बाय चांस आप भूल भी जाओ तो भी आप क्या है केवल यहां तक करके देख लो, 4 6, जैसे ये रिपीट होने लगे ना सिर्फ 3 टाइम्स तक करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार चेक जरूर कर लो अगर डाउट हो तो, ठीक है। अब इसमें से हमारी 2 डिजिट और चली गई, यानी कि 4 डिजिट ऑलरेडी हो गई थी हमारी, 0 1 2 0 1 5 6 और 4 और 9, टोटल 6। अब बची 4 डिजिट, बची 4 डिजिट, 6 डिजिट ऐसी सॉल्व हो गई 1 सेकंड में। अभी 4 डिजिट में थोड़ा काम तो करवाएगा, ये बची है 4 डिजिट आपकी बची है, 2 0 हो गया, 1 हो गया, 3 4 की हो गई, 5 की हो गई, 6 की हो गई, 7 और 8, 9 का हो गया। आप इसका साइक्लिसिटी आप देखिए, 2 की पावर 1 2, 2 दुनी 4, 2 दुनी 4 दुनी 8, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है और कर रहे हैं, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, एक और करना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा है मैंने लास्ट में, 32। अब रिपीट होना शुरू हो गई, अब हमें आगे रोक देना चाहिए, अब ऐसे 3 की निकली थी। अब आप एक चीज देखिए कैसे आएगा ये सब की, देखिए अब इसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी, जहां से टेबल रिपीट होना शुरू हो जाता है वहां से हम बोलते हैं उसकी साइक्लिसिटी। अब 2 की 3 7 8 ये ऐसे नंबर है, सिर्फ ये 4 नंबर ध्यान रखना, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, कैसे, क्योंकि 4 के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, 4 पावर तक बदलते हैं अपनी यूनिट डिजिट और उसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा। तो अच्छा, अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, सपोज 2 पीछे लग रहा हो, किसी की पावर ऐसे आ जाए, 2 4 2 की पावर आ गई सपोज 4, तो आप ये रख लीजिए 2 की पावर 1 होगी, पीछे 2 आएगा, 2 की पावर 2 3 4, तो 6 ही आ रहा होगा पीछे कुछ, ठीक है, 2 की पावर 4 होती है तो 6 16 आता है, तो उसकी यूनिट डिजिट 6। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं 2 4 2 और इसकी पावर 54, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, 54 टाइम्स कैसे करोगे, तो ये साइक्लिसिटी मैंने इसलिए ही बताई है, आप जो इसकी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है देखो, कितना बचा है 4 3 12, यहाँ का रिमाइंडर कितना आ गया आपका 2,
रिमाइंडर कितना आ गया आपका 2, यानी 2 की पावर 2 कितनी हो गई 4, तो यूनिट डिजिट हो गई हमारी 4। जो भी आपकी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो 4 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है, 4 के बाद ये रिपीट होना इसकी यूनिट डिजिट शुरू हो जाती है। तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करने पर देखिए भाई मैं पूरा दिखाती हूँ, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, देखिए 4 एकम 4 14 4 3 12 रिमाइंडर इसका 2 आ गया जो मैंने यहाँ लिखा है। जितना रिमाइंडर होगा वही पावर हो जाएगी, यानी पावर को आपको छोटा करना, पावर को आपको छोटा करना है तभी आप सॉल्व कर पाओगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए 7 का ले लेते हैं। 7 का नंबर दे रखा है 5 7 8, 8 का ले लेते हैं, चलिए 5 7 8, और इसकी पावर आपको दे रखी है 3 5 1, ये आपकी पावर दे रखी है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, पीछे 8 है और आपके माइंड में आएगा जो 2 3 7 8 होते हैं उसमें 4 के बाद साइक्लिसिटी रिपीट होती है, यानी कि मैं रिमाइंडर को 4 से डिवाइड करके देखती हूँ पहले, ठीक है 4 से डिवाइड करके देखती हूँ तो इसमें कितना होगा। अच्छा एक इसकी शॉर्ट ट्रिक और बताऊं, जब भी बहुत बड़ी पावर हो ना तो पीछे 5 का ये देख लीजिए, चलिए पूरा ही बता देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो 4 8 32 4 7 28 3, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 3, यानी 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 कितनी होगी 5 1 2, यानी कि पीछे यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी। ये आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है इस टाइप से पता है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सेम 3 के साथ 7 के साथ सबके साथ आपको ऐसे करना है। ध्यान रखें ना 2 3 7 8 आप रट के जाना है, इसकी साइक्लिसिटी बाय चांस आप एग्जाम में भूल जाओ लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी होती है 4 के बाद रिपीट करते हैं। अगर आप भूल भी जाओ ना एग्जाम में तो आप निकाल लेना, क्या होता है पीछे आपको रटने की जरूरत नहीं है 3 1, ऐसे तो बहुत कादर रन करोगे, ठीक है 2 मिनट का काम है, पावर छोटी हो जाएगी आपको दिक्कत ही नहीं होगी। अभी मैंने आपको यूनिट डिजिट का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी बेस कॉन्सेप्ट के बेस पे, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के बेस पर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहे वो बैंक का हो, रेलवे का हो, SSC का हो, किसी भी कैटेगरी का हो इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ कभी कभी कैंपस रिक्रूटमेंट में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड आपका हर लेवल पर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और सब में यही टॉपिक्स होते हैं जो आपको मैंने स्टार्ट किया है एप्टीट्यूड में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट और वीडियो। तो विल मीट यू नेक्स्ट सेशन विद सेम कॉन्सेप्ट बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।